कोटा हो या मुखर्जी नगर, जब भी यहाँ से कोई खबर निकल कर सामने आती है ना, तो जो माँ बाप होते हैं ना जिनके बच्चे यहाँ पढ़ने गए होते हैं, उनके दिल में एक अजीब सी घबराहट आ जाती है। पिछले कुछ समय में कोटा और मुखर्जी नगर से ऐसी खबरें निकल कर सामने आई हैं जिन्होंने कि लोगों के मन में एक अनचाहा सा डर पैदा कर दिया। कोटा में तो पंखों में भी स्प्रिंग लगाए जा रहे हैं कि कोई बच्चा वहां पर किसी अनहोनी घटना को अंजाम ना दे दे। मुखर्जी नगर दिल्ली में एक ऐसा इलाका है जहां पर कि काफी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। इनमें से एक 4 मंजिला मकान को प्राइवेट पीजी के रूप में तब्दील करने उसका कमर्शियल इस्तेमाल किया जाता है। हर फ्लोर पर दबड़े जैसे छोटे छोटे कमरे बनाकर उनमें किराए पर चढ़ा दिया जाता है, जिनमें 35 लड़कियां रह रही थी। स्ट्रीट पार्किंग में ई रिक्शे पार्क किए जाते हैं, छत पर किचन चलाई जाती है, सीढ़ियों के नीचे बिजली के मीटर लगा दिए जाते हैं और फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं होता। बुधवार देर शाम जब पीजी में आग लगी तो कुछ लड़कियां अंदर ही फंसी रह गई और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई गई। लेकिन अगले दिन जब सवाल उठा कि ऐसी घटना ना हो यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है, एमसीडी, डीडीए और जिला प्रशासन से लेकर बिजली विभाग और दिल्ली फायर सर्विस तक सब अपना अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। हर एजेंसी के अधिकारियों की ओर से यही कहा जाता है कि दिल्ली में चल रहे स्टूडेंट पीजी हाउसों के संबंध में कोई स्पष्ट नियम नहीं बने और इसीलिए इस मामले में उनकी कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं बनती। सोर्सेस के मुताबिक दिल्ली में 700 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पीजी चल रहे हैं, लेकिन इन्हें रेगुलेट करने के लिए किसी की जिम्मेदारी नहीं है और कोई एजेंसी भी नहीं। ऐसे में जब कोई हादसा होता है तो तमाम एजेंसियों के लिए भी जवाबदेही से बचना आसान हो जाता है। एमसीडी के अधिकारियों का कहना है कि उनका काम केवल बिल्डिंग प्लान पास करने का है। फायर डिपार्टमेंट कहता है कि 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग होने पर ही फायर एनओसी लेने की जरूरत पड़ती है। दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग ब्रांच के अधिकारियों का कहना है कि स्टूडेंट पीजी के लिए दिल्ली पुलिस लाइसेंस जारी नहीं करती। बिजली विभाग का कहना है कि मकान मालिकों से लगातार अपील की जा रही है कि वे स्टिल्ट पार्किंग से बिजली के मीटर हटाकर उन्हें बाहर लगवाएं। डीडीए और जिला प्रशासन जो है वो भी नियमों की अस्पष्टता का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारियों से पूर्ण रूप से पल्ला झाड़ लेता है। पिछले साल दिल्ली सरकार ने स्टूडेंट्स पीजी को नियमों के दायरे में लाने के लिए एक पहल जरूर करी थी। इसके तहत पीजी चलाने के लिए दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की एनओसी को अनिवार्य कर दिया जाने की योजना थी, ताकि प्रॉपर्टी ओनर पीजी में रहने वाले स्टूडेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए पर्याप्त इंतजाम कर सके। इस बात पर भी विचार किया गया कि पहले बिल्डिंग प्लान और लेआउट प्लान की कॉपी जमा करवा के ये देखा जाएगा कि कितने कमरों का इस्तेमाल पीजी के रूप में किया जाएगा, उनमें कितने स्टूडेंट्स के रहने की व्यवस्था करी जाएगी, उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जाएंगे और उसी आधार पर एनओसी दी जाएगी। इस पहल को अमली जमा पहनाने के लिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस, एमसीडी और दिल्ली सरकार के होम डिपार्टमेंट को आपसी सहमति बनानी थी, ताकि दिल्ली पुलिस की लाइसेंस यूनिट पीजी के लिए रूल्स बना सके। लेकिन सोर्सेस का कहना है कि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। आग लगने से बुधवार को हुए हादसे से मुखर्जी नगर के तमाम पीजी में रहने वाली लड़कियों के दिलो दिमाग में डर सा बैठ गया है। आसपास के स्टूडेंट्स भी सेफ्टी को लेकर सकते में। जांच में पता चला है कि पूरी बिल्डिंग में कहीं भी आग बुझाने वाले उपकरण मौजूद नहीं थे, ना ही कोई वेंटिलेशन था, इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं थी, एक ही गेट से एंट्री और एग्जिट था। पुलिस ने बताया कि आग लगने वाली उस बिल्डिंग का मालिक कुलभूषण, उसने अमित नाम के शख्स को पीजी चलाने के लिए एकमुश्त महीने की रकम पर किराए पर दिया हुआ है। सोर्सेज ने बताया कि पीजी के अंदर प्लाईवुड से अलग अलग रहने के लिए हिस्से बनाए गए, केयरटेकर के पास प्रॉपर एंट्री रजिस्टर भी नहीं मिला। मकान मालिक और पीजी चलाने वाले दोनों ही सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरत रहे थे। पीजी में अधिकतर लड़कियां कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही। हादसे के बारे में दमकल विभाग के एक अफसर ने कहा कि जिस बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से कम होती है उसे एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती, इसी का फायदा उठाकर ऐसी इमारतों में ये एक्टिविटीज चलती हैं। मौके की छानबीन ने पता चला कि इसकी छत पर किचन था, सीढ़ियों के बराबर मीटर लगा हुआ था। फायर डिपार्टमेंट का दावा है कि अनेक बार बिजली विभाग को लेटर लिखा कि जितने पीजी और कोचिंग सेंटर हैं उनमें मीटर बाहर लगाया जाए, मगर इस दिशा में अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। मुखर्जी नगर में एक बार फिर खतरनाक आग लगी और स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया। स्टूडेंट्स के इस इलाके में बार बार लगने वाली आग साफ तौर पर रेजिडेंशियल एरिया को कमर्शियल बनाने की बद इंतजामी, सुरक्षा और पीजी बनाने के नियमों के उल्लंघन को रोकने से सिस्टम की लापरवाही और नाकामयाबी पर एक बहुत बड़ा चोट देती। कई स्टूडेंट्स का कहना है कि उनके पेरेंट्स उन्हें इस एरिया को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। आग के गवाह बने स्टूडेंट्स का कहना है कि आग इतनी भयानक थी कि अगर शुरुआत में ही लोग लड़कियों को निकालने में और आग बुझाने में मदद नहीं करते तो अंजाम बद से बदतर हो सकता था। 3 मंजिला इमारत की सीढ़ी के पास लगे मीटर में आग लगी, इससे मेन रास्ते से लड़कियां बाहर नहीं निकल पाई। एक स्टूडेंट ने बताया कि मैं पहले ही बगल की बिल्डिंग के रास्ते निकल गई थी, सब पैनिक हो रहे थे, धुआं अंदर बढ़ता जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि कूद कर जाएं तो आखिर जाएं कहां या फिर मदद का इंतजार करें।
इस पीजी के ठीक सामने वाली पीजी में रहने वाले स्टूडेंट्स मनु बताती है कि मैंने स्पार्किंग होते हुए देखा और उसमें आग लग गई। जहां मीटर लगा था वहां कुछ लकड़ी का सामान भी रखा था, इसलिए आग और तेजी से फैल गई। कई लड़कियां छत की ओर जाने लगी, कुछ को सीढ़ी का सहारा लगाकर निकाला गया। हमारी और आसपास की बिल्डिंग खाली करा दी गई। मैं रात को अपने दोस्त के घर पर रहा। डीयू स्टूडेंट सिमरन चौधरी बताती हैं कि स्टूडेंट्स के इस एरिया में कोई सेफ्टी नहीं है। आप तारों का जंजाल, सीढ़ियां और पीजी के हर केबिन पर लगे मीटर, छोटे प्लाईवुड के कमरे देख सकते हैं। किचन घर के बंद पार्किंग स्पेस में चलते हैं। एक और स्टूडेंट नोमी सेन बताती हैं कि हॉस्टल कम है तो मजबूरी में हम इन छोटे छोटे कमरों के लिए 15-16 हज़ार रुपये महीना तक किराया देते हैं। रेजिडेंशियल एरिया में चल रहे पीजी में जो वायलेशन हो रहे हैं उन पर ना पुलिस और ना ही एमसीडी एक्शन लेती। कुछ महीनों में तीसरी चौथी आग। इस इमारत के सामने रहने वाले अरविंद कुमार बताते हैं कि मैंने मेरे घर से बड़ा हथौड़ा लाया, दीवार तोड़ने की नौबत आ गई और इस दौरान हम बिल्डिंग के पीछे की तरफ भी गए, जिससे सामने भी एक पीजी है, इसमें ग्राउंड फ्लोर में एक किचन भी है, वहां सिलेंडर भी रखे थे। हमने उनसे तुरंत सिलेंडर हटवाए और वे कहते हैं कि इस पीजी में जरूरत से ज्यादा पोल्टा केबिन बनाए गए। फायर एक्सटिंग्विशर थे नहीं तो जाहिर सी बात है खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन बात आखिर में वही आ जाती है कि आखिर बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा। मेरे सुनिए फिलहाल, जय हिंद, जय भारत।